प्रणाम, क्या आप यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं बट यू डोंट नो हाउ टू बिगिन, वेयर टू स्टार्ट, एज वेल एज आपको जनरल आंसर राइटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है? देन यू आर एट द राइट प्लेस बिकॉज वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग द बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग, यानी कि द पैटर्न ऑफ यूपीएससी पेपर विद रिगार्ड टू द मार्क्स, द क्वेश्चंस, जितना टाइम लेना चाहिए आपको सिंगल क्वेश्चन के लिए, द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर, एज वेल एज सर्टेन डायरेक्टिव वर्ड्स जो क्वेश्चंस में होते हैं, एज वेल एज हम थोड़े टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे हाउ टू हैव बेटर आंसर्स, हाउ टू राइट बेटर आंसर्स. सो लेट्स बिगिन, स्टार्टिंग विद द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस. तो हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर. यहाँ पे वी अंडरस्टैंड दैट द टोटल मार्क्स ऑफ अ सिंगल पेपर, अगर जनरल स्टडीज वन की बात करें या टू की बात करें, वी हैव अराउंड 250 मार्क्स. सो जो टोटल पेपर का मार्किंग सिस्टम है 250 मार्क्स होते हैं, और जनरली स्पीकिंग कितने क्वेश्चंस होते हैं इसमें, वी हैव अराउंड 20 क्वेश्चंस. 20 क्वेश्चन होते हैं, 250 मार्क्स का होता है टोटल पेपर. तो ये जो 20 क्वेश्चंस है, ईच क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, तो एक सिंगल क्वेश्चन 10 या 15 मार्क का हो सकता है. ओके, सो यू हैव ईदर अ 15 मार्क क्वेश्चंस या आपके 10 मार्क के क्वेश्चन होते हैं. जो 15 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, जनरली स्पीकिंग आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, एज वेल एज 10 मार्क्स में भी आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं. सो इफ यू एड बोथ, यानी कि अगर आप 15 मार्क इंटू 10 क्वेश्चंस और 10 मार्क इंटू 10 क्वेश्चंस करें, सो यू विल गेट द टोटल ऑफ 250 मार्क्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम आपको मिलेगा टू अटेम्प्ट दैट सिंगल क्वेश्चन. अगर एक क्वेश्चन मिलता है तो कितना टाइम मिलता है आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्टली कितना टाइम इन जनरल मिल रहा है हमको टू अटेम्प्ट दिस 250 पेपर मार्क्स. वी हैव अराउंड 3 आवर्स. ओके, 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स इन हैंड. ओके, 180 मिनट्स टू अटेम्प्ट 250 मार्क्स क्वेश्चंस. तो ये जो 180 मिनट्स है, और आपको अटेम्प्ट करने हैं 20 क्वेश्चन, तो सिंगल क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 9 मिनट्स पर क्वेश्चन. इज़न दैट करेक्ट? 9 मिनट्स पर क्वेश्चन. बट आई हैव टोल्ड यू कि आपको 10 मार्क के क्वेश्चन भी है, 15 मार्क के क्वेश्चन भी है. तो क्या आप दोनों 10 और 15 मार्क के लिए 9 मिनट लेंगे, इक्वली लेंगे? नो, because you will take maybe less time to solve 10 mark questions, whereas you will take a little more time to solve 15 mark questions, correct? So generally speaking, jo 15 mark ke questions hai, you will take around 10 to 11 minutes. On the other hand, jo 10 mark ke questions hai, you will take around 7 to 9 minutes. This should be the amount of time आपको devote करना चाहिए for each question. Now, if you've understood the pattern of the exam, of the question, of the question paper, let's now move on and understand the structure of your answer. तो आप structure की जब बात करते हो, that means answers कैसे होने चाहिए. Okay, we understand the basic structure of mains answer writing. In terms of introduction, body, या main body, and conclusion. This is the general structure of answer writing. आपको एक introduction देना है, you have to introduce the proper question that is given in terms of that. मेन बॉडी होता है विच इज जनरली द मेजर पार्ट ऑफ इट विच विल बी अराउंड 80% ऑफ द क्वेश्चन एंड देन यू हैव योर कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन की बात करें, यू विल टॉक अबाउट जनरल स्पीकिंग व्हाट इज द क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट. डिफाइन करोगे सर्टेन टर्म्स, या अगर आपको पता है कि ये न्यूज में क्यों है,
वाई यानी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो इंट्रोडक्शन इज मेनली अबाउट व्हाट एंड व्हाई. व्हाट यानी कि डिफाइन कर सकते हो, व्हाट आर द मेजर टर्म्स, एंड व्हाई यानी कि यू कैन टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट विद विच दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. या ये क्वेश्चन न्यूज में था विद रिगार्ड टू मे बी द स्पीकर्स रोल और सो, यहाँ पे आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हो. दैट्स हाउ यू बिगिन विद योर इंट्रोडक्शन. देन कमिंग टू योर मेन बॉडी. मेन बॉडी एज आई सेड विच इज योर मेजर पार्ट. यहाँ पे आप लिख सकते हो इधर इन टर्म्स ऑफ पॉइंट स्ट्रक्चर या पैराग्राफ फॉर्म में. तो जो मेन बॉडी होता है, इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ अ पैराग्राफ, अ शॉर्ट पैराग्राफ, मे बी अराउंड 20 to 30 words. लेकिन जो मेन बॉडी होता है, यहाँ पे आप इधर पैराग्राफ या बुलेट पॉइंट फॉर्म में दे सकते हैं विद रिगार्ड टू क्या क्वेश्चन में पूछा गया है. And then coming to your conclusion. Conclusion is, you can say, an apt conclusion to your answer. Yahan pe, you can use your creativity and answer with regard to conclusion. Jahan pe neutral stand dena ho, aapko neutral conclusion dena hai. Where you have to give a slight view, depending on the question, aap conclusion ko change kar sakte hai. So here, with regard to the structure of the answer, it lies like this. बट हाउ डू आई नो कि आंसर कैसे लिखूं? नाउ दिस डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन. सो लेट्स अंडरस्टैंड द डायरेक्टिव वर्ड्स जो होते हैं. आपने सुना होगा इलैबोरेट, एक्सप्लेन, डिस्कस, वी हैव जस्टिफाई, क्रिटिकली एनालाइज, ये सारे डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं. एंड डिपेंडिंग ऑन दिस आपका आंसर चेंज होता है. सो यूपीएससी मेन्स आंसर राइटिंग नॉलेज के बारे में नहीं है. इट्स नॉट अबाउट कितना नॉलेज आपने अक्यूमुलेट किया है, जितना नॉलेज आपने कलेक्ट किया है. अगर ऐसा होता सो वी अंडरस्टैंड दैट जो टॉप 10 होते रैंक होल्डर्स होते हैं वो फिफ्थ और द सिक्स्थ अटेम्प्टर्स होते. लेकिन ऐसा नहीं है. इट्स अबाउट योर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. आपने कितना उसको समझा है, हाउ माइंडफुल यू आर व्हेन यू सी द क्वेश्चन. आपने क्वेश्चन को कैसे समझा है इज व्हाट द एग्जामिनर चेक्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस डायरेक्टिव वर्ड्स और आपका आंसर कैसा होना चाहिए विद रिगार्ड टू दिस. So mains answer writing is not about how much knowledge you have. It's not about ki aapko kitna pata hai us particular topic ke bare mein. It's about what is asked in the question. Aapko wahi address karna hai jo question mein diya hai. It's not about dumping information. It's about presenting information jo question mein poocha hai. सो ये प्रेजेंटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एक सही मायने में या सही तरीके से करना है तो आपको डायरेक्टिव वर्ड्स जानना जरूरी है. डायरेक्टिव वर्ड्स यानी कि कीवर्ड्स. व्हाट आर द डिफरेंट कीवर्ड्स? यानी कि डिस्कस, इलैबोरेट, एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज. ये सुनने में थोड़ी सिमिलर लग रहे होंगे लेकिन इनका थोड़ा डिफरेंट कॉनोटेशन है या डिफरेंट मीनिंग है. तो हम जान लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कीवर्ड्स या द डिफरेंट डायरेक्टिव्स. नाउ फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये हम तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे. व्हाट आर द थ्री कैटेगरीज? द फर्स्ट कैटेगरी is mainly about giving information. तो यहाँ पे जो words आते हैं, let's write that down. Examine, explain, why, illustrate, highlight, write a note on, elaborate. Okay, so these are the words that come in your first category of keywords. So यहाँ पे आपको information देना है. So what is, how do I go about with these questions? आपको information देना है और information के साथ always give examples, always give certain facts or figures, certain numbers. ओके इसमें क्या होगा, आपका आंसर में थोड़ा इंफॉर्मेशन फॉर्डर मटेरियल भी आपको, जैसे कि थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स आपको ऐड करने होंगे सो दैट योर आंसर इज सेल्फ सफिशिएंट विद इन इट. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कैसे क्वेश्चंस आते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ कीवर्ड्स.
तो ये 2022 का क्वेश्चन था, मेंस 2022 का क्वेश्चन था, विच वॉज आस्क्ड इन जीएस पेपर 3. इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. आई रिपीट, इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. इंट्रोडक्शन विल बी वेरी सिमिलर अबाउट वॉट इज फूड प्रोसेसिंग. ओके, तो यहाँ पे जैसे कि वाई एंड वॉट हम आंसर करेंगे इंट्रोडक्शन में. फिर आता है आपका मेन बॉडी. मेन बॉडी आप क्या बताओगे, इंफॉर्मेशन देना है. इंफॉर्मेशन किसके बारे में, जो क्वेश्चन में दिया है, स्कोप और सिग्निफिकेंस, बाकी कुछ नहीं. यू आर नॉट आस्क्ड एनीथिंग, चैलेंजेस नहीं पूछा है, मत दो. ठीक है, स्कोप और सिग्निफिकेंस शुड बी द मेजर पार्ट ऑफ योर मेन बॉडी. मेन बॉडी में सिर्फ वो आएगा जो है स्कोप और सिग्निफिकेंस. तो स्कोप यानी कि रेंज, एक्सटेंट, कितना क्षमता है फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. ऑन द अदर हैंड सिग्निफिकेंस, अगर हम सेकेंड पार्ट में सिग्निफिकेंस को एड्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव बेनिफिट्स, जैसे कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे इंक्रीज करेगा, फार्मर्स का इनकम कैसे इंक्रीज करेगा, वॉट यू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस. एंड देन यू गिव अ कंक्लूजन, अ वेरी एप्ट कंक्लूजन, जहाँ पे आप बताओगे कि इंडिया की जो रैपिड पॉपुलेशन है, एज वेल एज एग्रीकल्चर बींग द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विल थ्राइव इन द नियर फ्यूचर. सो जनरल बेसिक कंक्लूजन टू सपोर्ट योर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस. ओके, सो इलैबोरेट या एग्जामिन, हाईलाइट, एक्सप्लेन, यहाँ पे आपको बस इंफॉर्मेशन देके सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स देने होंगे. Let's take the second category of keyword. Second category will be in terms of a little higher level than that of your first level. So second category hum baat kar rahe hain. Here you have examine, discuss, you have justify, elucidate. Elucidate ka matlab hai to make it more clear. Okay? Analyze, comment. All right. So these are the keywords that come in your second type of, you can say question category. Now, whenever questions bhi dete hain, you have to also understand ki ye jo keywords inke saath aate hain. Okay. You have like for example. In terms of the question that was asked in 2022, reforming the government delivery system through the direct benefit transfer scheme is a progressive step, but it has limitations too. Comment. So, ye tha question with regard to direct benefit transfer scheme. Ya hum isko DBT scheme bolte hain. It is progressive step. So, yani ki ye positive puch raha hai. But it has limitations to comment. Now, in case ye question thoda alag main puchti agar 2022 mein, agar if I have to put it another way. Direct benefit transfer scheme has limitations, but is nonetheless a positive step. Kya dono question ka similar answer hota? Kya dono questions same manner mein answer hote? Yahan pe let's understand how they are different. Examiner ne या जो क्वेश्चन में हमको फोकस किया है वन पार्ट ऑफ इट एंड देन इज गिवन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. तो हमको भी हमारा आंसर्स चेंज करना है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. एग्जांपल लेट्स टेक, एक्स इज अ गुड पर्सन बट इज लेजी. एक्स इज अ लेजी पर्सन बट इज गुड. दोनों सिमिलर स्टेटमेंट है, पर यहाँ पे फोकस मेरा है इन द फर्स्ट पार्ट इज ऑन द गुड पर्सन. And the second part, my focus is on the lazy person. So, yahan pe you will have to make changes to your answer depending on what is my statement. So, na ki aapko bas directive words pata hai ki chalo directive word ye hai, to main ye isko aise answer karunga. Nahin. You have to focus on the framing of the question as well is what is the major thing you need to take up. So, yahan pe in this particular question, direct benefit transfer scheme, jo UPSC 22 mein pucha tha, यहाँ पे फोकस कहाँ है, प्रोग्रेसिव स्टेप पे फोकस है. तो यहाँ पे योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल टॉक अबाउट व्हाई इज द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम अ पॉजिटिव एंड देन यू एड्रेस द लिमिटेशंस. तो यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट इज द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज व्हाट इज योर जनरल इंट्रोडक्शन.
फिर आता है एडवांटेजेस या पॉजिटिव्स ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, यानी कि लीकेजेस कम करना, ट्रांसपेरेंसी लाना, टाइम बाउंड मैनर में, यू नो, लेस टाइम में यू कैन से बेनिफिट्स देना विद रिगार्ड टू द वल्नरेबल सेक्शंस, विद रिगार्ड टू द फार्मर्स एंड सो ऑन. एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पे आप लिमिटेशंस की बात करें, आप बताओगे विद रिगार्ड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीड है, टेक्नोलॉजी की जो नीड है, डिपेंडेंसी है टेक्नोलॉजी पे, ऑल ऑफ दैट विल कम इन द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, दैट इज इन टर्म्स ऑफ योर लिमिटेशंस. एंड देन यू विल गिव एन एप्ट कंक्लूजन विद रिगार्ड टू दिस. सो यहाँ पे यू अंडरस्टूड कि जब कॉमेंट आता है, इट्स नॉट अबाउट नोइंग द कीवर्ड, इट्स अबाउट हाउ द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड. सो इफ यू टॉक अबाउट यहाँ पे जैसे इंफॉर्मेशन एज वेल एज एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स, जनरली वेन यू टॉक अबाउट एनालाइज एग्जामिन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ आपको कुछ और देना है. इंफॉर्मेशन तो देना ही है विद रिगार्ड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट यहाँ पे पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव्स पे भी फोकस करना है, यानी कि मेरिट्स और डीमेरिट्स, या फॉर एंड अगेंस्ट. ओके, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हाउ इट इज फ्रेम. अगर फोकस किया है विद रिगार्ड टू द पॉजिटिव, टॉक अबाउट द पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव. अगर फोकस किया है नेगेटिव पे, तो टॉक अबाउट द डीमेरिट्स एंड देन यू टॉक अबाउट द मेरिट्स. ओके, नाउ दैट यू अंडरस्टूड द सेकंड कैटेगरी, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द थर्ड कैटेगरी एंड द फाइनल कैटेगरी. तो यहाँ पे द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस या कीवर्ड्स, यू हैव critically analyze or critically examine and so on. So critically ye word aata hai with this part of your category, right? critically ka matlab kya hai, when you think logically, think, critical thinking ki baat karte hain yahan pe hum. So here also we are talking about positives and negatives, क्योंकि यहाँ पे analyze, examine में जैसे हम करते हैं, but you have one step further, one step higher, way forward की हम बात करते हैं, जहाँ पे हम address करते हैं negatives पे, अगर negatives को कैसे positives में convert करें. So critical thinking is a little higher than what you have with regard to analyze, with what you have with regard to examine. Let's take this with the help of an example. तो अगर हम एक दो स्टेटमेंट्स हैं क्रिटिकली एनालाइज, और दोनों स्टेटमेंट्स अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, हाउ वे यू आंसर इट, लेट्स अंडरस्टैंड. जैसे कि द ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल, दो क्वेश्चंस हैं, दोनों में क्रिटिकली एनालाइज है, लेकिन दोनों में जो आंसरिंग है ये डिफरेंट होगा. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. द फर्स्ट वन, क्रिटिकली एनालाइज द प्रपोज्ड डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 in safeguarding the privacy of individuals and upholding the right to privacy of the citizens. Yahan pe focus kya hai, in terms of safeguarding the privacy of individuals and upholding the right of privacy of the citizens. Okay, now this was the first question. Let's move on to understand the next question, that is critically analyze hi, but the question is framed in a different manner with regard to the data protection bill. So the second type of question is, data protection bill could be against right to privacy. Critically analyze. The data protection bill could be against right to privacy. Agar dono statements, statement 1 and statement 2 ki baat karte hain. Question 1 and question 2. Question 1, if you see, has a very neutral tone. Tone ki hum agar baat karte hain, to first statement kya wo नेगेटिव जा रहा है या इज इट गोइंग टू पॉजिटिव, इज जस्ट गिविंग क्रिटिकली एनालाइज विद रिगार्ड टू क्या ये वायलेट या ये प्राइवेसी सेफगार्ड करता है, क्या इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करता है. सो इट्स मोर ऑफ अ न्यूट्रल टोन, इट्स आस्किंग क्रिटिकली आप एनालाइज करो. ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट नेगेटिव, इट्स मोर न्यूट्रल, राइट. द सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, that it could be against right to privacy, against आ रहा है. तो टोन कैसा है यहाँ पे, the second question का जो टोन है it is negative,
नेगेटिव है, अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी है, तो यहाँ पे द फोकस इज ऑन व्हाट, इट्स फॉर द अगेंस्ट पार्ट ऑफ इट, जो डीमेरिट, जो अगेंस्ट पार्ट है, यहाँ पे आपको फोकस है. So in the first statement, you would generally give the positives of the data protection bill, the need of the data protection bill, and then you would talk about critically analyze hai. So yeah, positives may be jahan pe loopholes hai, jahan pe shortcomings hai, critically analyze karke aapko ye negatives bhi dene honge. But jab second baat hum karte hain, second statement ki baat karte hain, here you would say why is it against the right to privacy, right? You talk about why, what are the statements against right to privacy pehle, so the negative connotation first, and then still on the other hand making space for the positives as well. All right, so yahan pe we have covered with regard to jo directive words hai ye janna kafi nahi hai, jo question ka framing hai ye bhi samajhna equally important hai. That is how you are going to cover the question, cover the answer more comprehensively. And other than that, let's talk also about the various jo tips or tricks aapko dhyan mein rakhne hain when you are solving questions with regard to UPSC mains. So if you talk about the general important principles jo aapko dhyan mein rakhne hain, how do you begin with answer writing? Answer writing start karne ke liye, first see the various past year questions. It is important to understand ki UPSC ka demand kya hai, and that will not help you by solving any XYZ classes, questions, test series. Major pehle aap past year questions cover karo. Abhi kitne past year questions cover karoge? 20-25 years ke pehle? Not at all. Start with 2013 onwards questions. Why do we give a, you can say, a cut-off year of 2013? That is because jo questions the before 2013, ye syllabus change hua tha with regard to the pattern, with regard to the complexity of the questions, with regard to you know, the number of the marks, all of that we see ye standardized hua tha when we regard to 2013, as well as the complexity bhi increase hui thi starting from 2013. A similar type of questions jo hum dekhte hain, justify, elucidate, formulate and all of that. So 2013 ke questions ke baad hum dekhte hain, it's kind of an important thing that you need to attempt, you need to solve it. Other than that, you also need to talk about your presentation. Presentation dhyan mein rakhna bahut hi important hai jab aap answer writing karte ho, because it is your talking to the examiner through your answers. Examiner ko nahi pata hai ki aapne kaun sa attempt diya, aapne kaun se books padhe hain, aapne kitni baar revise kiya. Examiner just knows that this is your summary XYZ's question answer sheet, and wo attempt kar raha hai. To aapko connect karna hai with your answer sheet to the examiner. To aapka presentation important hai. It talks about your personality altogether with regard to your presentation. To aapko yahan pe kya focus karna hai? You need to focus on your handwriting. Okay, but know that ki agar aapka handwriting is average, that's completely okay. It's not ki aapko calligraphy likhna hai. Okay, you don't have to have the best handwriting. That's okay agar aapka average, lekin readable handwriting, legible handwriting honi chahiye. Okay, proper word limit, word spacing hona hai. So spacing pe bhi dhyan dena hai. Okay, spacing yani ki पैरा स्पेसिंग, यानी कि जो अगर आप इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी के बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ो, इट्स नॉट दैट एक ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन बस मैंने डाल दिया, डंप कर दिया है. इट्स शुड नॉट बी लाइक दैट. सो स्पेस जहाँ पे रिक्वायर्ड है, गिव एडिक्वेट एरिया फॉर योर डायग्राम्स, गिव एडिक्वेट स्पेस बिटवीन योर कंक्लूजन एंड योर मेन बॉडी. ये स्ट्रक्चर फॉलो करना जरूरी है, सो दैट आपका वो पर्सनैलिटी भी दिखाई दे कि आप थोड़े सॉर्टेड हो विद रिगार्ड टू योर प्रेजेंटेशन, विद रिगार्ड टू योर कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट यू आर प्रेजेंटिंग टू द एग्जामिनर. इसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट बुलेट्स, ओके, पॉइंट सिस्टम की बात करते हैं. सो व्हेन आई टॉक्ड अबाउट जब आप मेन बॉडी कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट बोथ इन पैराग्राफ फॉर्मैट या आप पॉइंट फॉर्मैट में दे सकते हो. लेकिन ये जो पॉइंट है, यू हैव टू गिव इट इन टर्म्स ऑफ बुलेट्स, राइट? तो बुलेट्स हम जनरली बुलेट्स के फॉर्म में देते हैं,
बट मोस्ट ऑफ देम हैव अ वेरी डिफरेंट वेक फॉर्मैट कि दे गिव लाइक अ डिफरेंट एरो, दे गिव अ स्टार, दे गिव अ डिफरेंट यू नो काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुलेट स्ट्रक्चर होता है. नाउ वी डोंट नो एग्जामिनर कौन से सेट ऑफ फ्रेम में होता है, सेट ऑफ माइंड में होता है. तो लेट्स अवॉइड ऑल ऑफ दीज फैंसी बुलेट फॉर्मैट, सिंपल बुलेट फॉर्मैट्स दे दीजिए या सिंपल नंबरिंग कर दीजिए, राइट, इन टर्म्स ऑफ 1, 2, 3, 4 या ए बी सी. सिंपल यू कैन से स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं फॉर योर बुलेट पॉइंट्स, फॉर योर नंबरिंग पॉइंट्स. ओके, सो इट्स नॉट कि आप हर आंसर में आपको बुलेट्स देने हैं, हर आंसर में आपको पॉइंट स्ट्रक्चर देना है, नहीं. It's not a compulsion. You can keep a mix of both. It depends on the type of question, on the format of question that you have been asked. Next, agar hum baat kare, okay, your diagrams. When you talk about diagrams, what comes in your diagrams? Aap flow charts ke baare mein baat kar sakte ho. You can talk in terms of map. जैसे कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आप मैप, आप इंडिया का मैप जरूर ड्रॉ कर दीजिए. ओके, और जब आप मैप्स या फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, इट्स एसेंशियल कि आप इसको लेबल करें. लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज टू व्हाट इज द डायग्राम टॉकिंग अबाउट. ऐसा नहीं कि एग्जामिनर के पास छोड़ दिया कि आप समझो कि डायग्राम में क्या बताया है. ओके, सो ऑलवेज इट्स नेसेसरी दैट यू लेबल योर डायग्राम्स, यू बॉक्स देम. आप उनको एक बॉक्स में दे दो एंड डोंट गिव अ होल पेपर फॉर अ डायग्राम. जैसे कि अगर ये मेरा शीट है, ओके, देन यू हैव, दिस इज वेयर यू बिटवीन यू राइट योर क्वेश्चन, यू राइट योर आंसर. तो यहाँ पे यू प्रॉब्ली जस्ट टेक अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट इज हाउ यू ड्रॉ योर डायग्राम इन बिटवीन, नॉट द होल शीट दैट यू टेक. ठीक है, तो यहाँ पे गिविंग ऑल दीज इंपॉर्टेंस टू दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जब आप आंसर राइटिंग करते हो. सो व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लो चार्ट, जहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी की बात करती है, मे बी लाइक सम केस, केशवानंद भारती केस के बारे में, जहाँ पे क्रोनोलॉजी या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो एवोल्यूशन है उसके बारे में बात करना चाहते हो, देन यू कैन ड्रॉ दिस इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट. यू टॉक अबाउट क्रोनोलॉजी, जहाँ पे अगर आपको वर्ड लिमिट कम करना है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन अ लॉट, तभी आप ये बता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सिग्निफिकेंस, जैसे आपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया है बट यू हैव मे बी लेस वर्ड्स ऑफ इट, देन यू गिव दैट विद रिगार्ड टू रीजंस फॉर समथिंग या कॉजेज जो भी है, एंड यू गिव दैट इन द टाइप ऑफ अ फ्लो चार्ट. तो यहाँ पे प्रेजेंटेबल भी होता है व्हेन यू ड्रॉ फ्लो चार्ट्स, व्हेन यू ड्रॉ दीज डायग्राम्स. मोनोटोनी ब्रेक करती है इट, जस्ट जहाँ पे आप हर आंसर में सेम स्ट्रक्चर फॉर्मेट कर रहे हो, इट हेल्प्स टू गिव अ लिटिल डिफरेंट व्यू पॉइंट विद रिगार्ड टू दिस. इट डिपेंड्स टू इंक्रीज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं जब आप आंसर राइटिंग में डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हो. आपका टाइम बचता है, आपका वर्ड लिमिट बचता है, एज वेल एज इट गिव्स अ गुड आर्टिस्टिक टच टू योर आंसर्स. जब आप प्रेजेंटेशन भी करते हैं, मेक श्योर दैट यू आर नॉट यूजिंग टू मैनी पेन्स, टू मैनी कलर्ड पेन्स. ठीक है, फोकस ऑन सिंपल पेन, एंड दैट कैन हैपन जब आप अभी से प्रैक्टिस करते हो. इट्स नॉट कि आप एग्जाम में, एग्जाम हॉल पे बैठ के डायग्राम्स लर्न कर रहे हो. इट इज़ अबाउट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इट राइट नाउ. इट्स अबाउट इन यूजिंग दीज फ्लो चार्ट, यूजिंग डायग्राम्स व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग एट दिस स्टेज. ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है विद रिगार्ड टू डायग्राम्स, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होता. इट टेक्स सम टाइम टू इनकल्केट दीज प्रैक्टिसेस इन योर आंसर्स. ऑलराइट, सो यहाँ पे द जनरल टिप्स, जनरल ट्रिक्स, क्विक रिविजन, फोकस ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम 2013. आपके प्रेजेंटेशन पे आपको फोकस करना होगा, हैंड राइटिंग पे फोकस ऑन हाउ मच टाइम आर यू टेकिंग विद रिगार्ड टू अ सिंगल आंसर. जैसे हमने डिवोट किया है कि आपका 9 मिनट में आपको एक क्वेश्चन होता है, सो 7 to 9 minutes और 10 to 11 minutes डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स. हियर यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन डायग्राम्स ड्रॉ करने में, फ्लो चार्ट्स, मैप, मैप ऑफ इंडिया. प्रैक्टिस दैट नाउ तो आपको एग्जाम में ईजी हो विद रिगार्ड टू यू नो ड्रॉइंग दीज. एंड फाइनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस टू राइट बेटर आंसर्स. प्रणाम.